तो हाय गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डी ब्लीच फॉर अंडर आर्म्स एरिया ये कोई भी सेंसिटिव एरिया है वहाँ पे आप इस ब्लीच को यूज़ कर सकते हो और ये डी ब्लीच जो है ये बिल्कुल नेचुरल वे में बनेगी तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको राइस ले लेने हैं चावल लेने हैं उसको दो घंटे तक भिगो लेना है जिस तरह से मैंने भिगो लिया है और दो घंटे भिगोने के बाद आप देख सकते हो ये काफी फूल गए हैं और इसी तरह से आपको फुला लेना है इसको ये और इसके साथ मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ बीट रूट मीन्स की चुकंदर है ये यहाँ पे मैंने हाफ चुकंदर यूज किया है इसके इसके साथ एक पूरा आलू मीन्स पटेटो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ एक पूरा पटेटो आपको ले लेना है और इन तीनों इंग्रेडिएंट को आपको मिक्सी में डाल लेना है और और चावलों को जो हमने भिगो के रखा था उसको भी हम इसी में डाल लेंगे और उसके साथ साथ जो इसका पानी है उसको भी इसमें ऐड कर देंगे और इसके बाद आप देख सकते हो इस तरह से इसका पेस्ट बन गया है सो so सोगाइज इस पेस्ट का जितना भी जूस है वो हम एक बाउल में साइड पे निकाल लेंगे इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट हमने यूज़ किए हैं अभी तक पोटैटो बीट रूट राइस ये सारे आपको ब्लीचिंग इंग्रेडिएंट में नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें जो पोटैटो हमने यूज़ किया है आलू यूज़ किया है वो लाइटन करता है कॉम्प्लेक्शन को अंडर आर्म्स को सेंसिटिव एरियाज़ को प्लस रिलीफ देता है आपको इचीनेस से जो यहाँ पे हमने बीट रूट यूज़ किया है उसमें आयरन है विटामिन हैं मिनरल्स हैं जो कि स्किन को हेल्दी करता है और कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है और इसमें हमने जो राइस और उसका वाटर यूज़ किया है उसके अंदर बहुत ही नेचुरल एंटी होते हैं जो कि अंडर आर्म्स में जो डार्क पैचेज हो जाते हैं उसको ब्राइटन करने में लाइटन करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है तो आप देख सकते हो इसका सारा जूस जो है वो मैंने इस तरह से निकाल लिया है अब इसमें हम एक और इंग्रेडिएंट लास्ट यूज़ करेंगे तो यहाँ पे मैं मैदा यूज कर रही हूँ जिसे हम रिफाइंड फ्लोर भी कहते हैं अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप व्हीट फ्लोर गेहूं का आटा मुल्तानी मिट्टी बेसन राइस फ्लावर कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो लेकिन जो मैदा है वो इस इंग्रेडिएंट के साथ ज्यादा अच्छे से जाएगा ब्लीचिंग के लिए क्योंकि इसमें स्किन वाइटनिंग एजेंट होता है तो कोशिश करिएगा कि मैदा ही आप यूज करें सोखाइज so इस तरह से हमारी ब्लीच जो है वो बिल्कुल बनके तैयार हो गई है आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो कितनी अच्छी बनी है कितने स्मूथ पेस्ट बन गया है तो इसको हमने यूज़ करना है अपने अंडर आर्म्स एरिया पे आप चाहें तो अपने पूरी बॉडी पे भी इसको यूज़ कर सकते हो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है उल्टा ये आपको बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशमेंट और ठंडक देने वाला है तो चलिए अब अपने अंडर आर्म्स पे अप्लाई करके मैं आपको लाइव दिखाती हूँ कि कितना इफेक्ट है इसका तो आप देख सकते हो मेरे अंडर आर्म्स पे इस टाइम पे डार्क पैचेस हुए पड़े हैं क्योंकि गर्मियाँ हैं आपको काफी स्वेट आता है तो उसकी वजह से नेचुरल है कि आपको इचीनस होगी एक्शन आपका खराब होगा क्योंकि हेयर रिमूव करने के लिए काफी तरह तरह की चीजें यूज करते हैं पेस्ट को मैं अपने अंडर आर्म्स एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ आपको काफी गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट जो है इसके ऊपर लगा लेना है जो जितना भी आपका डार्क पैच है उसको आपको अच्छे से इसको ढक लेना है और दस मिनट तक आप आपको वेट करना है ट्रस्ट मी गाइज ये जो डी आई वाई ब्लीच है ये बहुत अच्छे से आपको वर्क करेगी आपके अंडर आर्म्स एरिया पे। और प्लस आप इसको पाँच से छः दिन के लिए बना के अपने फ्रिज में रख सकते हो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और आप डेली इसको यूज़ कर सकते हो बस इसे यूज़ करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से जितने भी हेयर्स हैं उनको रिमूव कर लेना है उसके बाद इसको यूज़ करना है तो दस मिनट हो गए हैं तो मैं इसको उतार रही हूँ एक वेट टावल की हेल्प के साथ तो उतारने के बाद आप अफेक्ट जो है वो खुद देख सकते हो इसने पूरा डार्क पैच जो है उसको बिल्कुल अच्छे से रिमूव कर दिया है क्योंकि मैं इसे तीन चार दिन से लगातार यूज़ कर रही हूँ इसलिए मेरे पैचेस जो हैं वो बहुत कम रह गए थे पहले काफ़ी ज़्यादा थे तो इसी तरह अगर आप भी इसे डेली यूज़ करोगे तो आपको अफेक्ट जो है वो खुद देखने को मिलेगा प्लस आप चाहें तो इसको पूरी बॉडी पे यूज़ कर सकते हो अपने फेस पे यूज़ कर सकते हो अपने सेंसिटिव एरियाज़ पे, प्राइवेट पार्ट पे कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हो ये बिल्कुल भी हार्मफुल इफेक्ट आपकी स्किन पे बिल्कुल नहीं देगा क्योंकि इसमें हमने जितने भी इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं वो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं जो भी इसे ट्राई करेगा तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर जरूर करिएगा क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत अच्छे से आने वाला है सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो और ऐसी वीडियोज़ और देखना चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो तो इस तरह की वीडियोज़ में और लेकर आती रहूंगी तब तक लिए टेक केयर बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग बाई